दोस्तों, इंडिया का एविएशन सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर है जो आज तक कभी भी स्टेबल नहीं रहा। हमेशा कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, ऐसे सिचुएशंस आते रहे हैं और इन्हीं का कारण है कि भारत में बहुत सारी ऐसी एयरलाइन कंपनियां हैं जिन्होंने भारी घाटा सहने के बाद उन्होंने खुद को दिवालियापन घोषित किया और वो इंडियन एविएशन सेक्टर से जो है वो बाहर हो गए। अभी लेटेस्ट में बात करें जो जेट एयरवेज, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सडनली कुछ ऐसे हालात बने कि जेट एयरवेज जो है परमानेंटली बंद हो गया। और अगर आप पीछे जाएंगे इतिहास में तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एयरलाइन कंपनी, किंग फिशर जो कि अपने आप में काफ़ी रॉयल एयरलाइन था, वो बंद हो गया। उससे पहले सहारा एयरवेज हुआ, बंद हुआ। उसके बाद उसके पहले डेकन एयरवेज बंद हुआ। ऐसे तमाम बहुत सारे एयरलाइंस कंपनियां बंद हुई, यहाँ तक कि भारत का अपना सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया भी बंद होने के कगार पे था। हालांकि सरकार ने वक्त रहते जो है उसे जो है एयर एशिया को, कह सकते हैं कि टाटा को बेच दिया और उसके बाद जो है स्पाइस जेट, एयर एशिया, ये सभी एक में मर्ज हो गए और कुल मिला जुला के फिलहाल अभी एयर इंडिया बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, जो लेटेस्ट अभी जो कह सकते हैं संकट के बादल जो घिरे हुए हैं वो है नो डाउट गो फर्स्ट एयरलाइन पे, गो फर्स्ट या फिर आप गो एयरवेज कह लें, जो कि वाडिया ग्रुप का अपना एक वेंचर है। फिलहाल अभी ये भारी संकट में है और अगर आप पीछे देखेंगे जो अभी तक होता आया है, स्टार्टिंग में कंपनियां घाटे में जाते जाते वो बंद हुई और वो हमेशा बंद ही रह गई। तो जैसा कि पिछले लगभग 40-45 दिनों से गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स जो हैं अभी सस्पेंडेड हैं, सभी फ्लाइट्स को जो है जो ऑलरेडी बुक्ड भी थी उसको बंद कर दिया गया है, सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। और इन सभी के बीच में हमारे और आपके जैसे जो आम ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने टिकट के रिफंड को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूँ, 5 मई 2023 से लेकर आज जो कि 21 जून हो चुका है, ठीक है, लगभग यहाँ पे 1.5 महीने हो चुके हैं इस फ्लाइट को बंद हुए। और वैसे लोग जिनका पहले से ही टिकट इसमें बुक था, जिनका अपकमिंग जर्नी था, उनके पैसे दोस्तों यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको रिफंड नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कंपनी की ओर से शुरुआत में कहा गया था कि कस्टमर को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी कस्टमर्स का उनका जो टिकट का पैसा है वो उनको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी दूर दूर तक ऐसे कोई भी आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद जो है कंपनी की ओर से क्लेरिफिकेशन ये आया कि हम आपको क्रेडिट शेल प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली क्रेडिट शेल एक तरीके का वर्चुअल, एक का कह सकते हैं कि आपका एक अमाउंट होता है, द सेम अमाउंट जितने का आपका टिकट था उतना आपको एक पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसका यूज करके आप फ्यूचर में जैसे ही अपने गो फर्स्ट की एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं वो रन करना शुरू होंगी, उसके बाद आप उन पॉइंट्स को यूज करके सेम फ्लाइट, मतलब कि गो फर्स्ट में ही आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपनी लाइक विस्तारा में, इंडिगो में आप बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो क्रेडिट शेल है वो गो फर्स्ट के टिकट को बुक करने में ही काम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकट खुद से नहीं किया था, उन्होंने करवाया था किसी एजेंट के थ्रू, किसी ट्रेवल एजेंट के थ्रू, किसी साइबर कैफे में। तो यहाँ पे क्या होता है, साइबर कैफे वाला जो टिकट बुक करता है वो अपना पर्सनल आईडी या फिर अपना कॉरपोरेट आईडी से करता है और वो जो पेमेंट जो करता है, जो पेमेंट गेटवे का यूज करता है, वो अपना खुद का नेट बैंकिंग यूज करता है। ऐसे में वो कस्टमर से केवल कैश लेता है। तो आपके जो पैसे फंसे हुए हैं वो आपका जो रिटर्न आएगा वो आएगा आपके ट्रेवल एजेंट के ईमेल आईडी पे, क्योंकि ईमेल आईडी उसका यूज किया गया था। तो ऐसे में जो जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी, किसी दूसरे के थ्रू टिकट बुक किया था, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा और वो आपको जो है एक जो यहाँ पे कह सकते हैं जो टिकट है, जो यहाँ पे क्रेडिट शेल है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और वैसे लोग जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबीओ जैसे एप्लीकेशंस का, yatra.com का या फिर अगोडा जैसे एप्लीकेशंस का यूज़ किया था और अगर उसमें उनका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड था तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ईमेल आईडी पे गो फर्स्ट की ओर से आपको क्रेडिट शेल जो है वो मेल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वैसे लोग जिन्होंने अपना ईमेल प्रोवाइड नहीं किया है उनको यहाँ पे ज़रूरत होगा दोस्तों कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करने का, जो कि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, जो कि ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है गो फर्स्ट एयरलाइन का, 1800-210-0999। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, 1800-210-0999। गाइज, ये है गो फर्स्ट का जो ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर है, जहाँ पे आपको कॉल करके जो है आपको वहाँ पे अपना ईमेल आईडी अपने पीएनआर से लिंक करना होगा और जैसे ही आपका पीएनआर से आपका ईमेल आईडी लिंक हो जाएगा उसके बाद जो है आपको मेल मिल जाएगा क्रेडिट सेल का,
जिसको आप बाद में यूज करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा हो, और ऐसे ही एविएशन सेक्टर से रिलेटेड, अलग अलग फ्लाइट से रिलेटेड, टिकट और होटल बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।